दोस्तों आज बनाना सिखाऊंगा मैं आपको पनीर मेथी मलाई यमी एंड जायकेदार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे किचन में आपका और मैं हूं शेफ चंदन। पनीर मेथी मलाई बनाने के लिए आप सबसे पहले पैन में 2 चम्मच घी या तेल, जो भी आपके पास अवेलेबल रख लीजिएगा। अब डालिए इसमें तेज़पत्ता और थोड़ा सा साबुत गर्म मसाला, 1/2 चम्मच जीरा, और जीरा थोड़ा तड़क जाए इसके बाद डालिए इसमें गार्लिक जिंजर। आप चाहे तो गार्लिक जिंजर का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसको हल्का सा पकाइए। इसके बाद डलेगा इसमें चॉप ऑनियन, और चॉप ऑनियन को गोल्डन ब्राउन कर लीजिएगा। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसमें डालिए चॉप टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच डालिए इसमें पानी। 1 से 2 मिनट के लिए इस मसाला को भूनिए। अच्छी तरह से इसमें रोगन ऊपर आ जाना चाहिए, तब तक इसको पकाते रहिए। ग्रेवी में टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं, अब इसमें डालिए 2 बड़ी चम्मच काजू का पेस्ट। काजू का पेस्ट को और ग्रेवी के साथ 1 से 2 मिनट और पकाइए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये ग्रेवी बन चुका है, अब मैं थोड़ा करूँगा पनीर को फ्राइड। पनीर मेथी मलाई बनाने के लिए पनीर को इस तरीके से क्यूब काट लीजिएगा। हल्का सा तेल या घी डालिए फ्राई पैन में और इसको डाल दीजिएगा, और इसको पनीर को है ना, इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर दीजिएगा इस तरीके से। और इसके बाद लीजिए आप फ्रेश मेथी, उसको बॉईल कर लिए इस तरीके से बारीक चॉप करके, इसको भी रख लीजिएगा फ्राई करने के लिए। आप देख सकते हैं मेथी को पनीर के साथ हल्का सा इस तरीके से पकाइए इसको। ये अच्छी तरह से पक चुका है, अब मैं इसको ग्रेवी में डालूंगा। अब मैं इसमें डाल दूंगा ग्रेवी में इसको, और इसमें ऐड करूंगा 2 चम्मच क्रीम मलाई और 1 चम्मच बटर, और इस सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स कर दूंगा, पनीर को, मलाई और मेथी को इस तरीके से। आप देख सकते हैं तो फ्रेंड्स, तैयार है जायकेदार पनीर मेथी मलाई। आप इसको अपने घर पर बड़े आसानी से बना सकते हैं, पनीर मेथी मलाई, और इसको गर्मा गर्म सब कर सकते हैं नान रोटी पराठे के साथ। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अरोमा इसमें आ रहा है। इसके ऊपर मैं कर देता हूँ तो हल्का सा मलाई का गार्निश इस तरीके से, एक बटर का टिकिया, हल्का सा कसूरी मेथी इस तरीके से, एक टमाटर का इससे गार्निश कर देते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों, आप उठाए लुत्फ़ अपने परिवार के साथ पनीर मेथी मलाई का, और स्वस्थ रहे, मस्त रहें। फ्रेंड्स, मेरी बनाई रेसिपी आपको कैसी लगी, अपना कमेंट्स करें, लाइक करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। खुद भी खाएं, औरों को भी खिलाएं। फिर मिलेंगे एक और नए रेसिपी के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू।